नमस्कार, आइए आज बनाते हैं पनीर मिक्स वेज भुर्जी। ये भुर्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, तो आइए देखते हैं ये बनती कैसे है। इसके लिए 250 ग्राम पनीर लेकर मोटा मोटा मैश कर लीजिए। ये पनीर हमने घर पे बनाया है, इसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ में बारीक कटी हुई 2 कटोरी पत्ता गोभी, 1 कटोरी टमाटर और आधा आधा कटोरी ब्लांच बीन्स और गाजर ले लीजिए। मसालों में आधा आधा चम्मच नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और कसूरी मेथी ले लीजिए। साथ में बारीक कटी हुई 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग ले लीजिए। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल गरम कीजिए और हींग जीरा डालकर क्रेकल होने दीजिए। जीरा क्रेकल होने पर हरी मिर्च अदरक डालकर मिला लीजिए। साथ में पत्ता गोभी डाल लीजिए और मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लीजिए। अब कटे हुए टमाटर और सभी मसाले डालकर अच्छे से मिला लीजिए। अब गाजर और ब्लांच बीन्स डालकर अच्छे से मिला दीजिए और ढककर धीमी आंच पर सब्जियां सॉफ्ट होने तक पका लीजिए। लगभग 4 मिनट बाद ढक्कन हटाइए। देखिए सब्जियां सॉफ्ट पड़ गई हैं। अब मैश किया हुआ पनीर डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए और ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकने दीजिए। 10 मिनट बाद ढक्कन हटाएं और आधा चम्मच गरम मसाला डालकर अच्छी तरह से मिला दीजिए। लीजिए पनीर मिक्स वेज बनकर तैयार है। तैयार भुर्जी को डोंगे में निकाल लीजिए और गर्मा गर्म पराठे या रोटी के साथ खाने का आनंद उठाइए। हमने ब्लांच बीन्स के साथ भी पनीर भुर्जी बनाई है, उसकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।